नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गर्दन पर चाकू रखकर अल्लाह अकबर बुलवाया, 50,000 रुपये लूट लिए। गुरुग्राम में 4 बदमाशों ने शाकाहारी हिंदू युवक को बांध कर किया कैद और कहा कि मेवात चल, बड़े का गोश्त खिलाएंगे। ओप इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के गुरुग्राम में एक हिंदू युवक का अपहरण करके उसे जबरन अल्लाह अकबर बुलवाने का आरोप सामने आया है। कार सवार 4 लोगों ने पीड़ित की गर्दन पर चाकू रख दिया था। इस दौरान 50,000 रुपयों के कुछ अन्य सामान भी लूट लिए। 5 घंटों बाद आरोपी ने पीड़ित को एक सुनसान जगह पर उतार दिया। पीड़ित ने बुधवार 27 मार्च 2024 को इस मामले में FIR दर्ज करवाई है और जांच शुरू कर दी गई है। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। ऑप इंडिया से बात करते हुए पीड़ित ने बताया कि अपहरणकर्ता उसे मेवात ले जाने की बात कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना गुरुग्राम के सेक्टर 17-18 थाना क्षेत्र की है। यहाँ मूल रूप से औरैया के निवासी आदर्श त्रिवेदी ने बुधवार की रात पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर 18 में स्थित एक प्राइवेट कंपनी के स्टाफ है। 23 मार्च को वो सुबह 5 बजे होली में अपने घर जाने के लिए सामान आदि लेकर घर के लिए निकले थे। आदर्श दिल्ली के आनंद विहार के लिए इफ्को चौक पर सवारी का इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ एक कैब आई जिसमें ड्राइवर सहित 4 लोग मौजूद थे। कैब के ड्राइवर ने आनंद विहार जाने के लिए 100 रुपये का किराया बताया। आदर्श उसमें बैठ गए। दिल्ली की तरफ थोड़ी देर चलने के बाद कैब ड्राइवर ने अचानक अपनी गाड़ी को यू टर्न दे दिया। इस हरकत की वजह पूछने पर कैब में सवार अन्य 3 लोगों ने आदर्श से मारपीट शुरू कर दी। सभी ने मिलकर एक रस्सी से पीड़ित को बांध दिया और सीट के बीच में डाल दिया। आदर्श की जेब की तलाशी ली गई तो उसमें 8,700 रुपये निकले। इस पैसे को भी सभी आरोपियों ने लूट लिया। चलती गाड़ी में इन सभी आरोपितों ने आदर्श की गर्दन पर चाकू रख दी। उन पर दबाव डालकर उनके खाते से 50,000 रुपये मंगवाए गए। बाद में एक QR कोड के जरिए इसमें 37,000 रुपये निकाल लिए गए। इसके अलावा आदर्श के पास रखा चार्जर, ईयरफोन, जींस और ATM कार्ड वह भी लूट लिया। आरोप है कि लगभग 5 घंटों तक कैब सवार 4 लोगों ने आदर्श को अलग अलग इलाकों में घुमाया। इस दौरान आदर्श की कई बार पिटाई की गई, उन्हें चाकू का डर दिखाकर कई बार अल्लाह अकबर बोलने के लिए मजबूर किया गया। पीड़ित के मुताबिक होली की वजह से घटना के दिन वो घर चला गया। लौटकर आदर्श ने अपने साथ इस घटना की FIR दर्ज करवाई। 17-18 थाने के SHO सुरेंद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल पर आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।